आई होप यू आर वेल गाइस। सो स्वागत है आपका मेरे आरती ब्यूटी स्टाइल के चैनल में। सो ये थोड़ा फन सा हो गया था। तो क्या है ना, क्या अभी टाइम बाद में अपना ये शूट कर रही हूँ, थोड़ा बिजी हो गई, इस वजह से मैं शूट नहीं कर पा रहे थे, टाइम नहीं मिल पा रहा इस वजह से। तो काफ़ी टाइम बाद मेरे को ये मौका मिला आज शूट करने का, आई एम सो हैप्पी। सो क्या है ना, आज जो मैं अपना लुक लेने वाली हूँ वो मैं करने वाली हूँ बर्थडे बैश में। करना आज है 22 नवंबर। यस 22 नवंबर और मेरी बेटी का बर्थडे है। मैं माई डॉटर नेम इज़ वैदेही नेगी। अगर आपने नहीं देखा है अबाउट माई फैमिली एंड, तो आप मेरा ब्लॉग में जाके देखिए, वहाँ है हम तुम ब्लॉग के नाम से मेरा चैनल है। वहाँ मैंने स्टार्ट किया है, कुछ टाइम ही हुआ है अपना ब्लॉग स्टार्ट किए हुए। तो वहाँ जाके देखिए क्या रूटीन है, क्या कैसे करती हूँ, क्या सब मैनेज करती हूँ, तो वहाँ आप देख सकते हैं। तो फिलहाल अभी भी मैं यहाँ बात करती हूँ अपने मेकअप रूटीन की। तो मेकअप नॉट रूटीन, मीन्स बर्थडे बैश में मैं अपनी बेटी का बर्थडे, तो मैं क्या मेकअप रखने वाली हूँ। तो मैंने स्किन पे सिर्फ एक मॉइस्चराइजर लगाया। वो मॉइस्चराइजर कौन सा है, ये लैक्मे का मॉइस्चराइजर है जो मैंने अपने फेस पर लगाती हूँ मैं डेली बेसिस में सिर्फ। और यहाँ तक कि मैंने बालों में कॉम भी नहीं किया, तो सब मतलब ए टू जेड ना आपके संग शेयर करने वाली, क्योंकि मेरे को होना है रेडी। तो मैंने सोचा क्यों ना शूट करते करते ही रेडी हो जाओ। तो स्टार्ट करते हैं गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइस, तो मैं स्टार्ट करती हूँ प्राइमर से। तो मैं यहाँ ले रही हूँ नायका का प्राइमर। कैसे लगा लूंगी मैं फेस पे, बहुत सॉफ्टली लगाना है इसको एकदम। एंड सेकेंड मैं यहाँ ले रही हूँ फिट मेकअप फाउंडेशन। तो मैं कंसीलर को स्किप कर रही हूँ क्योंकि मेरी स्किन इतनी डार्क नहीं है, मीन्स ठीक लिटिल बिट है, पर ज़्यादा नहीं, तो मेरा फाउंडेशन से ही काम हो जाएगा। तो मैं आईज़ के ऊपर लगा रही हूँ फाउंडेशन। किसी के पास कंसीलर होता है नहीं होता है, तो वो फाउंडेशन से काम चलाते हैं। तो गाइस आप कर सकते हो अगर स्किन सिंपल है, नेचुरल है, सिंपल है तो स्किन का टेक्सचर ठीक है, तो आप सिर्फ फाउंडेशन से ही काम कर सकते हो। तो मैंने यहाँ आईज़ पर लगा लिया फाउंडेशन। बाकी देखिए क्या करने वाली हूँ मैं, इसको करती हूँ ब्लेंड। साइड का कॉम्पैक्ट बहुत कम रेंज का था, हाई रेंज का नहीं है। अगर आप अफोर्ड कर सकते, अब मतलब मीन्स अगर आप लेना चाहते हो ना तो आप ले सकते हो, बहुत कम रेंज में मिल जाता है आपको ये। तो जो फाउंडेशन है लॉक कर दिया इस तरीके से। गाइस मैं यहाँ ले रही हूँ हुडा गर्ल का आई पैलेट, एक्चुअली वो टूट गया ना, तो इस तरह का मेरा हुडा का जो पैलेट है इस तरह का हो चुका है। सो इसमें ना मेरा एक्चुअली क्या है, इसका जो चुनियन मेरा लोअर है वो मेहरून में है। अपने आइज़ का जो शेड है मैं इस मेहरून कलर से दूंगी, तो इसी से अप्लाई करती हूँ। और इसका पिगमेंटेशन इतना अच्छा, इतना अच्छा ना, लिटरली मैं दिखाती हूँ अभी आपको। ठीक है, सिर्फ एक ब्रश मैंने यूज़ किया, उसका पिगमेंटेशन देखिए। लाइट शेड करके ना जो अपर लाइन और कॉर्नर्स को थोड़ा लाइटन अप कर देती हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा डार्क शेड नहीं चाहिए। तो इस तरह का मैंने ये, तो हुडा ब्यूटी का मैंने ये लाइट एंड स्किन टोन के शेड में ले रखा है, तो अप्लाई करूँगी। तो ब्लैक करूँगी कॉर्नर्स में मैं, तो ये नॉट, ये डार्क ब्लैक नहीं है, ब्राउन एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन है, तो डार्क ब्लैक नहीं है ये। तो मैं यहाँ ना पर्पलिश एंड पिंकिश का ये कॉम्बो है, इसको मैं ले रही हूँ। डार्क पर्पल तो ऐसे लाइट एंड पर्पल का तो ये है, तो इसका हल्का ग्लिटर है, तो ये मैरून में अच्छा लगेगा ये कलर। दिखाती हूँ आपको, थोड़ा ना शिमरी शेड है, डार्क शिमरी नहीं, मैं लाइट शिमर दे रही हूँ नॉर्मल एकदम। कैसे मैं यहाँ ले रही हूँ आईलाइनर स्विस ब्यूटी का, मैं सब आईलाइनर लगा लेती हूँ अपने। मेरी आईज़ काफी बोल्ड दिखती हैं, तो इसी से विंग्स बना ली मैंने। और वैसे मैं यहाँ ले रही हूँ मिस क्लैरी की आईब्रो पेंसिल, तो मैं अपने आईब्रोज फिल कर लेती हूँ, तो ये आईलाइनर सूख रहा है। तो
था ना पीछे, अपना आई स्किन अंडर आई के नीचे, इसको थोड़ा सा इसको शेप दूंगी। में आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बड़ा सिंपल, मतलब जो जो नेसेसरी आइटम्स होते हैं ना मेकअप के टाइम पे, तो वो चीज़ें बता रही हूँ मैं इसमें आपको। तो वैसे वैसे ही करना है आपने, ज़्यादा वो नहीं कि ये नहीं है तो वो कैसे कंप्लीट होगा मेरा लुक, ऐसा कुछ नहीं है गाइस। मेन अपने स्किन, नेचुरल स्किन को अच्छा रखिए, बस वही काफ़ी है। अगर नहीं है जिसकी तो उसके संग तो थोड़ा दिक्कत हो जाती है ना, ऐसा कुछ नहीं है। पूरे फेस में ही लगा ले रही हूँ, इसमें भी लगा देती हूँ। और फाउंडेशन ना मोस्ट प्रोबेबली हो सके तो हाथ से कभी रब मत कीजिए, क्योंकि हाथ फाउंडेशन जहाँ लगना चाहिए फेस में वहाँ लग नहीं पाता और हमारे हाथ में अच्छे से। और देखिए ये साइड में आपको बता रही हूँ ना, फटाफट कैसे आप कर सकते हो अगर आपका टाइम की बहुत शॉर्टेज है, राइट। तो मैंने क्या करा, आइज में तो मैं कंसील लगाना नहीं है, तो मैंने इसीलिए इसमें भी फाउंडेशन जल्दी से अप्लाई कर दिया। नेक्स्ट मैं लूँगी ये कॉम्पैक्ट इनसाइड का, तो मैं पूरे फेस में लगा लेती हूँ। मैंने आईज़ का पहला उसलिए बताया था कि आपके लिए इजी हो जाए, कि मैंने सिर्फ दो शेड यूज़ की हैं इसमें, एक मैट शेप में और दूसरा ग्लिटर शेप में, शेड में नॉट शेड। तो मैं इस एलाइट की लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ ब्राउन शेड में, 18 शेड है इसका एलाइट। देख सकते हैं, और इसको मैं कर दूंगी प्लांट प्लांट प्लांट। तो गाइस अगर आपके पास ना कंटूर का मैट शेड में नहीं है तो आप लिपस्टिक अप्लाई कर सकते हो, 100% रिजल्ट देता है। देख सकते हैं किसी से उसने मेरे लुक को दे दिया है। और ऐसा नहीं है कि इसी ब्राउन शेड का कोई भी अच्छी मैट लिपस्टिक है ना उसका आप यूज़ कर सकते हो तो अच्छा लुक देगा। मोस्टली मैं लाइट या मेबलिन की लिपस्टिक, ब्लू हेवन की लिपस्टिक यूज़ करना प्रेफर करती हूँ, उसको ही मोस्टली मैं अप्लाई करती हूँ। फटाफट से अपने आईब्रोज एंड आई शेडो फिल कर लेती हूँ, मैं आपको फिर मिलती हूँ। सो गाइस मैंने ना आईब्रोज़ और ये आई शेडो फिल कर लिए हैं, तो मैं अब यहाँ लूँगी फेसेस कैनेडा का ये पैलेट, इसमें ब्लश पैलेट और कॉन्ट्रोल तीनों है। तो कॉन्ट्रोल तो मैंने स्किप कर दिया, पाउडरी कॉन्ट्रोल का, तो मैंने स्टिकी कॉन्ट्रोल लगा लिए हैं, और अब यहाँ ब्लश और यहाँ लगाना है हाइलाइटर, तो वो स्टार्ट करते हैं। तो ले रही हूँ ब्लश। तो हुआ ये कि छोटे ब्रश से मेरा ब्लश नहीं लग पा रहा, तो मैंने बड़ा ब्रश का यूज़ किया ताकि अच्छे से ब्लश लग जाए। तो देख सकते हैं फेसेस कैनेडा कितना बढ़िया तरह से ये ब्लश का लुक आ रखा है। मैं लूँगी यहाँ पे हाइलाइटर। ब्यूटी की लिप पेंसिल, तो ये पीच पिंक शेड में है। गाइस मैं लिपस्टिक यहाँ यूज़ कर रही हूँ हुडा ब्यूटी की लिपस्टिक, ये मैट लिक्विड शेड में है, मीन्स लगा के मैट हो जाती है लिक्विड में, पीच पिंक शेड है इसका। मस्कारा, इसके बिना मेकअप अधूरा है, कि आई लैशेस हमारी क्लियर निकल के आती हैं इसे लगा के। सेट हो गया मेकअप, सो लास्ट में मैं लगाऊंगी ये मेकअप फिक्सर, तो पूरा मेकअप को सेट कर देगा। और ये है ब्लू हेवन का मेकअप फिक्सर, उसको ना थोड़ा डिस्टेंस से स्प्रे करते हैं इसे। देख सकते हैं आप स्प्रे पड़ चुका है फेस में, और तो ये सेट हो जाएगा तब मैं अपने इयररिंग्स वगैरह एंड चुन्नी मुन्नी लगा के सब रेडी होकर मिलती हूँ गाइस।
ये गाइस, सो दिस इज माय फाइनल लुक। आई होप यू लव इट। सो मैंने बिंदी लगा ली है, इयररिंग्स मैंने पहन लिए हैं, इस तरह के झुमके इयररिंग्स पहने, एंड ये पहनी है चुन्नी मैंने। मेरा जो चुन्नी का जो सेट है, मतलब जो सूट का सेट है, उसकी चुन्नी इस मैरून शेड में है। तो इसी का मैंने लुक क्रिएट किया, बड़ा सिंपल है एलिगेंट सा लुक। आई होप यू लव इट। और इस तरह का आप भी किसी बर्थडे, अपने बर्थडे, बेबी के बर्थडे या अपने बर्थडे पे कुछ लुक क्रिएट कर सकते हो, तो बहुत ईजिली कर सकते हो। सिंपल एंड नेचुरल ग्लोइंग लुक लग रहा है ये। एंड जो एक ज्वेलरी है ना गाइस, मैंने लोकल मार्केट से परचेज़ की थी, ये और सूट जो है ये भी मैंने सब लोकल मार्केट से ही परचेज़ किया है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। लव यू ऑल, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय चैनल गाइस। बिल्कुल फ्री है, एब्सोल्युटली फ्री है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले और वीडियोज़ बनाने का गाइस। सो लव यू ऑल, एंड अपने दोस्तों के संग शेयर भी कीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो को देख पाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। लव यू ऑल एंड टेक केयर, बाय बाय।